मंत्री कवासी लखमा को नकली सीबीआई अधिकारी बनकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री कवासी लखमा चुप्पी तोड़ते हुए इस मामले में जुड़े तमाम बातें स्वराज एक्सप्रेस से कही। मंत्री ने कहा कि 10-15 दिन पहले फोन करके धमकी दी थी। मंत्री ने कहा कि पहले तो कोई ये सब उन्हें मजाक लगा, फिर दिन में 20 से 30 बार कॉल कर परेशान करने पर शिकायत की गई थी। धमकी देकर 2 लाख की मांग की गई थी। मंत्री कवासी लखमा से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। मंत्री कवासी लखमा को फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर डराने धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे इसको? मैं सबसे पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ का पुलिस और रायपुर के एसपी को बधाई देता हूं कि मेरे को लगातार प्रसन्न कर रहा था और शिकायत करने पर हिमाचल प्रदेश में जाकर उस आदमी को पकड़ा। इसलिए बधाई देता हूं, हमारा सरकार संवेदनशील सरकार है, कानून को मानने वाला सरकार है। किसी भी आदमी को इस टाइप का अगर बात करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये आपको कब से फोन कर रहा था? जैसे आपने बाद में शिकायत किया, उसके पहले भी फोन कर रहे थे कब से? कुछ 10-12 दिन लगातार कर रहा था। मैं बोला ऐसी कुछ मजाक कर रहा था होगा, मैं अलका से लिया और लगातार फोन करने से मैं आरपी सिंह हमारा प्रवक्ता को बोला, हम दोनों जाके एसपी साहब को शिकायत किए। एसपी का मतलब शिकायत करके 3 दिन लगभग 4 दिन हो रहा है, आज पकड़ा गया है। फोन करके क्या बोलता था? जैसे बात होती थी लगातार फोन करते थे, तो आप एक आध फोन अटेंड करते रहे होंगे, फोन उठाते रहेंगे, किस तरह की बातें होती थी? वो बार बार वही बात करता था, मैं तो एक ही 2 बार बात किया हूँ, हमारा स्टॉप करता था जी। वो मनीष गुंजाम का नाम लेता रहा, मनीष गुंजाम ने टिकट लिया है, स्टॉप में लिखा है, ऐसा दुनिया भर का बात उनका हवाला देता रहा। इसलिए आने के बाद बोलेगा ये मनीष गुंजाम जी से कैसा संबंध है, अगर सही बोलेगा तो, अगर कोई संबंध है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा जी। कुछ पैसे वगैरह का भी मांग करते थे क्या? पैसे का तो मांग कर रहा था, 2 लाख रुपए दो कहा था, नंबर दिया था जिस बैंक में। हम लोग अभी हमारा पुलिस जाके उसको बुलाया, वहीं से तो पकड़ा गया है। इस तरह के जो कृत्य करने वाले हैं, इसके पहले आपके साथ एक और हुआ है घटना, जैसे ट्रक वाले मामला आपको पता ही है, सब जानते हैं, तो इस तरह के जो अंजाम देने वाले हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? लगातार मेरा एक आदिवासी होने के कारण, अभी तो हिमाचल प्रदेश का है, ट्रक वाला बिलाई के थे, अभी वो लोग भी 4-5 लोग जेल में है। ये हमारा सरकार छोड़ेगी नहीं, ये भूपेश बघेल का सरकार है, कानून को मानने वाला सरकार है। तो अभी आपने सुना मंत्री कवासी लखमा को, जिन्होंने कहा है कि इस तरह के जो फर्जी अधिकारी बन के डराने धमकाने वाले हैं उसको अपना प्रदेश सरकार भूपेश सरकार नहीं छोड़ेगी, और जो इस तरह से कृत्य कर रहे हैं वो सावधान हो जाइए। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बिलासपुर के डिप्टी कलेक्टर